बिलियंस ऑफ लैपटॉप्स और कंप्यूटर बंद हो चुके हैं, फ्लाइट्स बंद हो चुके हैं, कुछ कंट्री के स्टॉक मार्केट बंद हो चुके हैं, हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं और कुछ एयरलाइंस में बोर्डिंग पास पेन से लिख कर दे रहे। दिस इज द बिगेस्ट टेक क्रैश इन द वर्ल्ड। हे गाइस, आई एम रवि एंड टुडे वी सी माइक्रोसॉफ्ट का टेक क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है और क्या रीजन है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। सो लेट्स गो डिट गाइस। एक टाइम पर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप में अटैक किया गया है, इसके कारण लोग कंप्यूटर और लैपटॉप को रीस्टार्ट कर रहे हैं। कई सारे मीडिया कंपनी उसका काम बंद हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट 365, पावर बी आई, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये सभी सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे चल रहे थे, वो सभी बंद हो चुके हैं। मलेशिया के 70% लैपटॉप बंद हो चुके हैं। और ये सभी चीज़ें बंद होने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आती है, द ब्लू स्क्रीन, इसको द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। और गाइस, ये सभी चीज़ें विंडोज़ के लैपटॉप पर हो रही है, बिकॉज विंडोज़ में एक क्राउड स्ट्राइक करके एक सिक्योरिटी सिस्टम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। मींस जितनी भी टेक कंपनीज है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, बैंक, इस सबको सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि क्राउड स्ट्राइक है क्या। कोई भी पर्सन अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करता है, मीन्स उसका लैपटॉप यूज़ करता है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए मैकाफे नाम की एक सॉफ्टवेयर आता है और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही जब हम कॉरपोरेट लेवल की बात करते हैं, बिग टेक कंपनीज, बैंक हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, उसके लिए क्राउड स्ट्राइक एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और सभी बड़ी कंपनी को। सो जितने भी बिग टेक कंपनीज है, मीन्स बिग आईटी कंपनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, और जितने भी बड़ी बैंक है, हॉस्पिटल्स है, एयरलाइन सिस्टम है, उस सभी में सिक्योरिटी के लिए क्राउड स्ट्राइक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है और उसका सॉफ्टवेयर का नाम है फैल्कन। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि विंडोज़ के लैपटॉप पर ही अटैक क्यों है, क्योंकि 80% ऑफ कंप्यूटर्स विंडोज़ पे चलते हैं। कुछ टाइम पहले क्राउड स्ट्राइक ने अनाउंसमेंट किया था फॉर द सिक्योरिटी अपडेट, विच हैज़ अ लॉट्स ऑफ फीचर फॉर द सिक्योरिटी, मींस उसमें ऐसे फीचर है जो सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसके बाद ये हुआ। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है, इट्स कॉल्ड वजीरएक्स, वो भी हैक हो चुकी है और उसका $230 मिलियन स्टोलन हो चुका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सभी अटैक विंडोज़ पर ही क्यों, क्यों मैक ओएस पर नहीं, एंड्रॉयड पर नहीं, लिनक्स पर नहीं और यूनिक्स पर नहीं। विंडोज़ में कोई भी पर्सन कुछ भी डिलीट कर सकता है, मींस कोई भी नॉर्मल पर्सन उसकी सिस्टम 32 फाइल में जाकर 2-3 फाइल उड़ाकर सिस्टम बंद कर सकता है, और एंड्रॉयड और मैक ओएस है उसमें आप कोई भी फाइल डिलीट करो तो सिस्टम बंद नहीं होता है। इसलिए विंडोज़ के जो जितने भी प्रोडक्ट है, मीन्स लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सभी बंद हो चुके हैं। सो दिस इज द मेन रीज़न फॉर दिस। इसका एक सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीबूट करना पड़ेगा सेफ मोड में, उसके बाद आपको विंडोज़ रिकवरी एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स क्राउड स्ट्राइक, और इसमें आपको एक फाइल दिखेगी 3000000291, इस फाइल को आपको डिलीट करना है, और उसके बाद आपका जो ब्लू स्क्रीन है तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वो दिखना बंद हो जाएगा और आपका लैपटॉप और कंप्यूटर स्मूथली चलने लगेगा। सो गाइस, आज के लिए नहीं, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डोंट फॉरगेट गाइस।